हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं कुसौरा बाजार बस्ती ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जियो एयर फाइबर टीवी का इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये जियो एयर टीवी है और यह लग रही है, और ये टीवी है, मॉनिटर है बड़ा सा, और इस टीवी में जियो एयर फाइबर का कनेक्शन होने जा रहा है। ये पावर है जो हाथ में लिया गया है, ये एडाप्टर है, पावर है जियो टीवी का। ये काले रंग का जियो एयर फाइबर का एडाप्टर है, जिस तरह से मोबाइल का चार्जर होता है उतने साइज का ये एडाप्टर है, और इसे पावर से कनेक्ट किया जा रहा है। पावर से कनेक्ट होने के बाद कैसे काम करेगा पूरा इंस्टॉलेशन लाइव आपको दिखाएंगे। कोई ज़्यादा कटपिट नहीं किया जाएगा, इंस्टॉलेशन में काफ़ी समय लगता है। क्या आप बिना इंजीनियर के अपने घर पे जियो एयर फाइबर टीवी का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? क्या समस्या आएगी, इस सबको आज हम विस्तार से बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ये रियलमी की टीवी है, बड़ी सी टीवी लगी हुई है। जियो टीवी ऑन होने के बाद इस तरह से दिखाएगा, कोई बटन दबाएंगे उसके बाद इस तरह से दिखाएगा, वाईफाई का सिग्नल दिखाएगा, तो काफ़ी समय लगता है। यहाँ आप देखेंगे दो कनेक्शन दिखा रहा है, और कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे, यहाँ रियलमी दिखा रहा है, और जो है जियो फाइबर का जो आपका पासवर्ड मिला है इसमें डाल करके और लॉगिन करेंगे। इस तरह से ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अपडेट में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह से काफ़ी देर के बाद ये टीवी ऑन हो पाई है। क्या समस्या आई है आज हम सब आपको बताएंगे। तो इस तरह से ये पासवर्ड डाला जा रहा है। पासवर्ड क्या है, जो जियो एयर फाइबर का बॉक्स है उसके पीछे जो नंबर दिया गया है उसी को यहाँ पासवर्ड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से जब पहले वाईफाई के साथ जियो एयर फाइबर की टीवी कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद कुछ देर बाद यह चालू हो जाएगा। अपडेट में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो ये कनेक्शन अभी हो नहीं पा रहा है, देख रहे हैं बार बार कनेक्शन फेल हो जा रहा है, पासवर्ड सही से नहीं लग पा रहा है। जब पासवर्ड सही लगेगा तो ये हॉट पोर्ट यानी आप कह सकते हैं वाईफाई का कनेक्शन चालू हो जाएगा। जब वाईफाई का कनेक्शन देखिए ऑन हो गया है, अब ये अपडेट हो रही है। अपडेट होने में काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह से वीडियो को पुश करके यानी हमने तेज़ी से कट कर दिया है क्योंकि आपका समय बचाना है। तो लगभग 5 मिनट लगा है, 5 मिनट के बाद ये अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद क्या दिखाएगा आपको हम दिखाते रहेंगे। और इस तरह से ये अपडेट में काफ़ी समय लगता है, और इस तरह से काफ़ी इंतज़ार के बाद अपडेट हो पाता है। कभी कभी अपडेट को कट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं जियो एयर फाइबर टीवी का इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो सेटअप बॉक्स के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा है, सबसे पहले जियो एयर फाइबर की जो टीवी है, जो सेटअप बॉक्स है, उसे वाईफाई से कनेक्ट किया जा रहा है। जो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन आपने लगाया है उसके बाद जियो एयर फाइबर टीवी यानी सेटअप बॉक्स के बगल HDMI केबल लगा हुआ है। तो ये जो टीवी है HDMI केबल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हुआ है, अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद आप देख रहे हैं जियो लिख करके आ रहा है। तो इस तरह से ये टीवी अपडेट हो गई है, इसमें कनेक्शन हो गया है। तो इस तरह से ये लिख करके फिर आ रहा, दोबारा रिस्टार्ट हो गया है। तो इसमें कोई बटन दबाना है, जैसे शुरुआत में दिख रहा था वैसे फिर दिख रहा है। तो इस तरह से ये बार बार फेल हो रहा है, आपकी बार भी फेल हो चुका है। तो आप देखेंगे ये अपडेट तो हो गया है लेकिन अभी आगे प्रोसेस बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है। तो इस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो इस तरह से अपडेट होने के बाद इस तरह से फिर दोबारा दिखा रहा है, और दोबारा वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। आपकी बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, पासवर्ड सेव हो चुका है। इस तरह से इंटरफेस दिखा रहा है, इस तरह से स्क्रॉल कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कनेक्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर डिटेल दे रहा है। अब अकाउंट बनाना है, जिस तरह से हम फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, गूगल का अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट देखिए बार बार नहीं बन पा रहा है, क्यों फेल हो जा रहा है,
इसमें फ़ोन नंबर गलत पड़ रहा है। फ़ोन नंबर गलत होने के कारण से ओटीपी नहीं जा रहा है। जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है, यानी रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे तो पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आने के बाद ये निश्चित ही ओके हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी लॉगिन हो जाएगा। 2-3 बार नंबर डालने के बाद कोई पासवर्ड नहीं आ रहा था। उसके बाद चेक किया गया कौन सा मोबाइल नंबर लॉगिन किया गया है, फिर मोबाइल नंबर चेक करके डाला गया। उसके बाद ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद ओटीपी को डाल करके चालू किया गया। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी समय लगाने के बाद फिर ऑन हो जाता है, लॉगिन हो जाता है, यानी जियो एयर फाइबर का अकाउंट बन जाता है। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कटपिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। तो आप देख रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद पासवर्ड डाला गया, ओटीपी आया, उसके बाद अकाउंट बन पाया। जिस तरह हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट बनता है, ठीक इसी प्रकार फ़ोन नंबर डाल करके ये लॉगिन हो पाता है, तो जियो एयर फाइबर का अकाउंट बन पाता है जियो टीवी में। एक बार अकाउंट बन जाने के बाद में आपको बार बार अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। जियो सेटअप बॉक्स यानी जियो टीवी में आपका अकाउंट सेव हो जाता है, पासवर्ड सेव हो जाता है, बार बार अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन वाईफाई का जो पासवर्ड है, यदि बदल जाता है तो आपको वाईफाई के पासवर्ड को दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, यानी बदले हुए पासवर्ड के साथ आपको अपने टीवी को यानी जियो सेटअप बॉक्स को जोड़ना पड़ता है। यदि आपने पासवर्ड बदल दिया है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं, जियो एयर फाइबर का सेटअप बॉक्स लॉगिन हो गया है, अपडेट हो गया है, कुछ ही क्षणों में चालू हो जाएगा। तो ये टर्म ऑफ द कंडीशन है, इसको एग्री करना पड़ेगा। एग्री होने के बाद इस तरह सेटअप कंप्लीट दिखा रहा है, तो इस तरह से ऑन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि जियो प्लस टीवी लिखा गया है, इस पे ऑन किया जा रहा है। आप देखेंगे अभी थोड़े देर बाद चैनल चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जियो एयर फाइबर टीवी यानी सेटअप बॉक्स का इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हैं या मैकेनिक से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी आसान प्रोसेस है, आप वीडियो देख लेंगे तो निश्चित ही आप स्वयं कर ले जाएंगे। यदि आप खुद अपने काम को जानते हैं तो आपको बार बार मिस्त्री के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। तो समय थोड़ा ज़रूर लगेगा, तो इस तरह से जब आप कनेक्शन लेते हैं तो इंजीनियर आ करके आपके सेटअप बॉक्स को चालू करके देता है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से ऑपरेट कर ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार 4-5 दिन यदि आप चलाएँगे जियो एयर फाइबर की टीवी को ऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएंगे, आँखें सेट हो जाएंगी और आसानी से आप चला ले जाएंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद अभी चालू नहीं हुआ है। इस तरह से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चालू हो जाएगा। तो बार बार जियो टीवी खोलना पड़ रहा है और बार बार खोलते खोलते आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर में अपडेट होने के बाद चालू हो जाएगा। तो देखिए चालू हो